तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे एक और एक नए वीडियो में। तो आज यहाँ पर मैं बना लूँ अपना एक और एक नया मैप जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ ब्लॉक रेस। और इसका नाम ब्लॉक रेस इसलिए रख रहा हूँ ना क्योंकि भाई ये ब्लॉक जो ब्लॉक रेस अपना मैप था उसका एक रेसिंग वर्जन रहेगा ये। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं ना इसके मतलब अलग अलग वेरियंट बनाऊंगा यहाँ पर, जैसे उसके अंदर ब्लॉक आते अपने एक एक करके। तो यहाँ पर मैं लाइन से वेरियंट बनाऊंगा अपने और भाई उसके बीच में ना एक भी जगह चेक पॉइंट नहीं रखूंगा, बस ना अपना सीधा स्ट्रेट एक मैप रहेगा जो कि शुरू होगा फिर खत्म होगा अपना मैप। और सबसे पहले ना यहाँ पर मैं जमीन लगाऊंगा ताकि अपने ना ऐसा मतलब कुछ ऐसा अपना ऐसा हिस्सा रह गया इतने रेंज में अपने को बनाने का मैप। तो यहाँ पर अपनी जमीन सेट हो चुकी है तो इसके ऊपर भाई अपना क्यूब लगाऊंगा अभी सबसे पहले अपना, और है ना भाई इसको पलाना पड़ेगा। और मैं जितने भी वेरिएंट है ना आते आते सबका एक एक हिस्सा रखूंगा इसके अंदर, टोटल है ना 10 के आसपास रखूंगा। या तो अगर 10 कुछ बड़े लगेंगे तो भाई छोटा रख दूंगा यहाँ पर। भाई देखो यहाँ पर आ गया बीच में इसके ऊपर, उसको जाऊंगा भाई किनारे पर लगाऊंगा उसको अभी मैं। और सबसे पहले एकदम सादा वाला एक वेरिएंट बनाऊंगा इसका जो कि आपको देखेंगे तो आपको समझेगा, बताऊंगा आपको तो कुछ समझेगा नहीं इसके अंदर। हल्का सा भाई साइड में कर दो उसको और यहाँ पर आगे अपनी जगह पे भाई दो दो लगाने पड़ेंगे मुझे इसकी तरह। और यहाँ पर अपना पहला वेरिएंट बन चुका है लेकिन इसकी मुझे सेट करनी पड़ेगी, थोड़ा ऑफसेट आगे पीछे करना पड़ेगा इसका। और यहाँ पर अपना पहला ब्लॉक बनकर रेडी हो चुका है भाई, इसका साइज मैंने थोड़ा बढ़ाया हूँ ताकि ना हम लोग इसके ऊपर चढ़ सके आगे जाकर। और यहाँ पर आ जाओ इसके ऊपर, और है ना भाई यहाँ पर मैं ऑब्स्टेकल लगाऊंगा ठीक है, ऐसा मत समझते कि पूरा मैप सादा रहेगा, लेकिन भाई ऑब्स्टेकल भरूंगा इसके अंदर मैं बाद में, लेकिन सबसे आखिर में भरूंगा। और आप आ रहे थे अपने दूसरा वो ब्लॉक लगा लिया रहा मेरा यहाँ पर दूसरा ब्लॉक। तो भाई अपने को पहले पहले पे चढ़ना पड़ेगा फिर यहाँ पर आना पड़ेगा दूसरे के ऊपर, और देख के आपको ऐसा लग रहेगा कि इजी रहेगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बार बता दूं भाई इजी नहीं रहने वाला ये, इसको मैं हार्ड बनाऊंगा और प्लस इसके अंदर चेक पॉइंट भी नहीं रहने वाला। तो यहाँ पर आप बढ़ते अपने तीसरे ब्लॉक की तरफ, जब वो बनकर रेडी होगा ना फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा कैसे दिखता है। और यहाँ पर अपने अभी तीन ब्लॉक बनकर रेडी हो चुका है तो भाई मैं तीनों पर खेल के देखते एक बार कि कैसा लगता है खेलने में ये, और फिर भाई उसके बाद मैं चौथे ब्लॉक पर अपने काम करूंगा। और भाई अगर मैं बताऊंगा ना बोल के तो आपको समझेगा नहीं, इसलिए मैं आपको बोल के नहीं बता रहा यहाँ पर, मैं जब बन जा रहा फिर आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भाई इतना इजी नहीं रहने वाला, आपको एक और बार बता दूँ, यहाँ पर छोटा करना पड़ेगा थोड़ा इसको, साइज बाद में छोटा करेंगे इसका। लेकिन यहाँ पर बढ़ते अपने चौथा ब्लॉक भी फटाफट बना दो इसके अंदर भी। और यहाँ पर रेडी हो चुका अपना चौथा ब्लॉक और भाई देखने में अच्छा लग रहा है ये, इसको ना मैंने मतलब उसकी तरह बनाया जैसे अपने बीच में तीन ब्लॉक आते ना, मतलब पहले एक पे चढ़ो फिर दूसरे पे चढ़ो फिर तीसरे पे दीवार तोड़ के घुसो अंदर, वैसे टाइप का मैंने इसको बनाया यहाँ पर। आपको समझ गया भाई जितने भी ब्लॉक इसके प्रो प्लेयर यहाँ पर बैठे हुए, और पीछे मैंने इसकी जमीन बना के रखा थोड़ी सी ताकि ना आप वहाँ पे जाके ना इसको मैं देखो चढ़ नहीं पा रहे अपन। और ये देखो पीछे अपनी जमीन है और बाबरे साइज थोड़ा बड़ा इसका, छोटा कर देंगे उसको कोई बात नहीं। और मैंने पीछे का ऐसे बड़ा रखा ना ताकि ना मतलब आगे मैं एक ऐसा ब्लॉक लगाऊंगा ना कि आप उसके कोई भी हिस्से से जा सको, मतलब दो रास्ते रहेंगे उस पर आने के लिए। तो अगर आपको कोने वाले हिस्से में जाना तो आप यहाँ से कोने वाले हिस्से में भी जा सकते हो, या तो अगर सामने भागना सीधा भाग जाना ऐसा रखो ऐसा रखूंगा मैं। और यहाँ पर अपना पांचवा ब्लॉक रेडी हो चुका है जिसको आप लोग देखते समझ जाओगे मैंने क्या देखकर उसको बनाया। और यहाँ पर देखो पांचवा ब्लॉक है अपना, देखो पीछे की दीवार इसलिए मैंने बड़ी रखा ना कि आप कहीं से भी जा सको उसके अंदर, जो अपना वो वाला ब्लॉक है जहाँ पर हम लोग को दीवार तोड़ के निकलने पड़ती है आगे और कोने में यहाँ पर कांटे लग रहे थे उसके अंदर, तो वैसे पूरा देखकर मैंने इसको बनाया हूँ। सेम तो नहीं बन पाया लेकिन यहाँ पर भाई उसी की तरह मैं बनाया इसको यहाँ पर, उसके पीछे भी मैंने यहाँ पर जमीन निकाल दिया ताकि यहाँ पर आप खड़े हो सको आगे आके। और इसके आगे वाला ऐसा भी ऐसे रहेगा कि इसके अंदर दो रास्ते रहेंगे, जब वो बनेगा तब आप देख के समझ जाओगे मैंने कैसे बनाया उसको देख। और ये अपना भाई छठा ब्लॉक जो कि ना भाई जिसके बीच में कांटे निकले रहेंगे, और अभी आपको खेल के दिखा दोगे कैसे आना रहेगा इसके ऊपर। उसके पहले यहाँ पर आ जाओ पहले किनारे पर चढ़ जाओ इसके ऊपर, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर आने के बाद पहले अपने जाना पड़ेगा इधर, और बीच में पूरा ऑब्स्टेकल भरे रहेंगे तो अपने को कूद के इसके ऊपर आगे आना पड़ेगा। और जब भाई जब मैं बना दूंगा ना पूरा तब आपको देख के समझेगा अच्छे से कि मैं क्या बात कर रहा था, अभी तो मैं सोच कर रखा पूरा आइडिया अपना। और मैंने भाई अपना सातवां ब्लॉक भी सोच लिया भाई कैसे बनाना है उसको, फटाफट से बना दो उसको। और यहाँ पर अपना सेवंथ ब्लॉक रेडी हो चुका है और आपको मैं खेल के बता दूं कि क्या करना है इसके अंदर, उसके लिए आना पड़ेगा अपने को इसके ऊपर। और यहाँ पर भाई बीच में भरे रहेंगे पूरा ऑब्स्टेकल तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग को कूदना पड़ेगा उस तरफ से ज्यादा इसके ऊपर, और यहाँ पर निकलो साइड में से इधर। और यहाँ पर भाई ऐसा ना सोच के तो अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ पर भाई ऑब्स्टेकल ऐड करने के बाद देखते कैसे लगता है फिर। और ये अपना यहाँ पर आठवां ब्लॉक जिसके अंदर यहाँ पर भाई बीच में मैं ऑब्स्टेकल भरूंगा इसके, और ऑब्स्टेकल ऐसे भरूंगा ना कि अपने को एकदम टाइमिंग पे उसके बीच में से कूद के निकलना पड़ेगा, अगर हम लोग जरा भी आगे पीछे होता है वो नीचे गिर जाएंगे फिर। और यहाँ पर पूरे मैप के अंदर मैं चेक पॉइंट नहीं रखना, लो आपको एक और बार बता दूँ यहाँ पर चेक पॉइंट यहाँ पर नहीं रहने वाला पूरे मैप के अंदर। और है ना अभी यहाँ पर थोड़ा वो सेट करूंगा उसको, फिर यहाँ पर सबके ऊपर मैं ऑब्स्टेकल लगाऊंगा। और आप यहाँ पर भाई ये सेट हो चुका अपना, और अब बढ़िया अपने ऑब्स्टेकल लगाने की, और फिर ऑब्स्टेकल लगाकर देखते भाई कैसा दिखता है अपना पूरा मैप, इसको हटा दो पहले। और ये अपना पहला ऑब्स्टेकल यहाँ पर सेट हो चुका है जो कि भाई पूरा कंप्लीट सेट नहीं हुआ है, मैंने वो सुपर से लगाया इसको और यहाँ पर खेल के दिखता है अभी, और देखने में ना इजी लग रहा होगा आपको लेकिन भाई आगे मैं ऑब्स्टेकल लगाऊंगा ना जब तो आपको हार्ड लगेगा फिर। और यहाँ पर भाई देखो इसको भाई क्या लग रहा है देखने में, ये मैंने भाई सोचा नहीं था इतना अच्छा लगेगा देखने में, ये खेल के देखते इसको अभी। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने जो बात करता है चेक पॉइंट नहीं रखूंगा तो मुझे रखना पड़ेगा ऐसा देख के लग रहा है इसको, लेकिन मैं सोच के रखा भाई नहीं रखूंगा, यहाँ पर पूरा टाइमिंग का गेम रहेगा अपना। और मैंने सोच लिया भाई मैं तीसरे ऑब्स्टेकल पे मतलब तीसरे ब्लॉक पे कैसे ऑब्स्टेकल रखूंगा तो फटाफट रखते हो। तो भाई यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कारीगरी करके ना पाइप को ऐसा लेजर यहाँ पर लगा के रखा मैंने यहाँ पर, लेकिन मुझे इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि ना भाई यहाँ पर मेरा बजट पूरा खत्म हो चुका है पूरे भाई, मतलब कितने 1600 में से 1300 यहाँ पर खत्म हो गए मेरे, तकरीबन भाई मेरे 1400 यहाँ पर खत्म हो गए पूरे के पूरे, 200 बचे मेरे पास, और 200 में यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल लगना रहे नहीं तो मुझे पूरा डिलीट करना पड़ेगा। यार कितना अच्छा लग रहा था देखने में ये, मैंने पहले से सोच कर रखा था कि मैं ऐसे कुछ ना पाइप लगाऊंगा साइड में यहाँ पर ताकि यहाँ पर ब्लॉक डैश वाली फील आए, लेकिन यहाँ पर मुझे हटाना पड़ेगा इसको, भाई कितना अच्छा लग रहा था देखने में यार। और यहाँ पर भाई देखो तीसरे ब्लॉक के ऑब्स्टेकल मैंने ऐसे लगा के रखा हूँ, ये देखने में ना हार्ड लग रहा है लेकिन मेरी बात मानो भाई मैंने खुद ये करके देखा एकदम ईजी है ये करने में, अगर मैं आपको एकदम आखिरी में करके दिखाऊंगा ना तो आप समझ जाओगे भाई कितना ईजी ऐसे करने में इसको रहेगा अपना, वो तो भाई आखिरी में मुझे खुद को करने में पता रहेगा, अभी तो भाई मैंने फटाफट से निकल गया था इसके अंदर।
और अब बढ़ते अपने आगे ब्लॉक की तरफ। भाई यहाँ पर मैंने एकदम अच्छे से ऑब्स्टेकल सोच कर, भाई यहाँ पर मैंने इस ब्लॉक के ऊपर ना दो दो ऑब्स्टेकल ऐसे लगाया था लेजर वाली फील देने के लिए, लेकिन भाई कुछ ज्यादा हार्ड हो गया था ये, इसलिए मैंने हटा के इसको सिंगल कर दिया अभी। और सिंगल में अब देखने में अच्छा नहीं लग रहा वैसे देखने में इतना, लेकिन है ना मतलब ऐसा हो गया कि ना आप इसके ऊपर से निकल सकते हो, लेकिन टाइमिंग भी कूदना पड़ेगा उसके लिए, अगर टाइमिंग जरा भी आगे पीछे हुई तो आप इस पर नहीं निकल पाओगे अच्छे से। तो मैंने इसलिए इसका रखा, इसको दो मैंने रखा था यार, दो पे मैं खुद नहीं निकल पा रहा था, दो पे इतना मैंने ट्राई करा उसको निकलने का, मैं दिक्कत हो जा रही थी उसके अंदर, इसलिए मैंने हटा के पूरा सिंगल पे कर दिया इसको अभी। और अब बढ़ते अपने आगे के ब्लॉक की तरफ भाई, उसमें तो एकदम अच्छा सोच कर रखा मैंने। और ये रहा मेरा पांचवें ब्लॉक के ऑब्स्टेकल, यहाँ पर भाई देखने में कितना अच्छा लग रहा है यार, मैंने ना पाइप को ऐसा दरवाजे जैसे इस्तेमाल करा यहाँ पर, आपको जब टाइमिंग पे इसके ऊपर कूदना पड़ेगा आके। और मैंने ना पीछे तरफ कुछ नहीं रखा, दूसरी तरफ, ताकि वहाँ पर आप लोग एकदम आराम से खड़े हो सके उसके ऊपर। और यहाँ पर भाई अब तक तो भाई देखने में अच्छा लग रहा है, और है ना मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा एकदम कि आपको कैसे निकलना है इसके आगे। तो बढ़ते अपने अगले ब्लॉक की तरफ, भाई वर्कशॉप में अपने पास कांटे वाटे हैं नहीं कुछ इसके अंदर, तो इसलिए मैंने कांटों की जगह पर ना यहाँ पर स्पिनर लगा दिया, और देखने में क्या लग रहा है सही में ये। और इसी की तरह ना मैं आगे दूसरे ब्लॉक के भी ऐसे लगाऊंगा भाई, ताकि सब फील आए कांटे जैसे। तो भाई यहाँ पर एक बुरी खबर है, इतना अच्छा लग रहा है देखने में ये, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये, लेकिन अपना बजट यहाँ पर टाइट हो चुका, बस 15 पॉइंट अपने पास बचे यहाँ पर इसको इस्तेमाल करने के लिए। भाई कुछ बचा नहीं अपने पास, मुझे फिर इसको पूरा मिटा के सही करना पड़ेगा यार, लेकिन भाई कुछ भी बनाऊंगा इतना अच्छा देखने में नहीं लगेगा वापस ये, कितना प्यारा लग रहा था देखने में यार। और यहाँ पर थोड़ा ताम झाम करने के बाद ऐसा देखने में लग रहा है ये, पहले क्या सही था देखने में ये, पहले कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उतना खास लग नहीं रहा वैसे। अच्छा ही ये भी अपने कांटे की तरह इस्तेमाल करेगा ये, मतलब काम करेगा कांटे के जैसे। और अब यहाँ पर अपने को आखिरी ऑब्स्टेकल लगा अपने आखिरी वाले से, तो भाई यहाँ पर मैंने ऐसे ग्रीन पाइप का इस्तेमाल करके ऐसे दरवाजे जैसे कुछ बनाने वाला था यहाँ पर, लेकिन जब मैं इसको बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पर है ना बहुत सारे ऐसे ग्रीन पाइप लगा दूंगा जो जैसे देखो ऐसे ऊपर नीचे होंगे यहाँ पर, और है ना ऊपर तो आग बना दूंगा इसके, तो ऐसा देख के लगेगा कि ये मॉन्स्टर का मुंह है कुछ ऐसा टाइप का ऐसा देख के लगेगा। और ये ना मैंने भाई यूट्यूब के एक शॉर्ट वीडियो में देखा था, डेंजन नाम के यूट्यूबर ने खेला था उस मैप को, लेकिन भाई यहाँ पर देखते अपना कैसे दिखता बनने का। भाई ये रहा अपना मॉन्स्टर का मुंडा, भाई देखने में क्या लग रहा है ये, इसके पीछे भी आग लगा दिया मैंने बाद में। और यहाँ पर आगे जो कैनन लगाया ना भाई, यहाँ पर मैं कैनन हटाने वाला हूँ, यहाँ से कैनन हटा के यहाँ पर आगे ट्रैम्पोलिन लगा दूंगा एक, जिसमें से हम लोग उड़ी मार के देख सकें अपने पूरा मॉन्स्टर को, भाई क्या लगेगा फिर देखने में। तो भाई अपना मैप यहाँ पर रेडी हो चुका है, बस यहाँ पर जो मुझे अपना ट्रैम्पोलिन को बीच में लाना है, और अब यहाँ पर भाई ट्रैम्पोलिन को बीच में लाने के बाद मैं इसको पब्लिश करूंगा, जिसके लिए मुझे भाई इसको 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा यार, मुझे नहीं लगता हो पाएगा मेरे से। और यहाँ पर मैं टाइमर चालू हो चुका है भाई, मुझे बहुत टाइम लगेगा करने में इसको, मुझे ऐसा लग रहा ना कि मतलब मेरे को 3-4 बार यहाँ पर रिस्टार्ट करना पड़ेगा इसको तब हो पाएगा मेरे से, फिर भी देखते हैं भाई। यहाँ पर मुझे टाइमिंग अच्छे से पता है पूरी, और यहाँ पर मैं देखो मैंने यहाँ पर जगह बड़ी रखा हूँ ताकि आप लोग खड़े हो सके उसके ऊपर आके, जल्दबाजी करोगे तो आप पड़ेगी इसके ऊपर, लेकिन अगर आप अच्छे से निकलोगे ना मेरी तरह निकल जाओगे तुम आराम से और आ उसके ऊपर। और यहाँ पर है ना देखो पाइप जाने तो पहले पीछे, फिर जाओ उसके ऊपर, और आगे वाला पाइप जब पीछे आएगा तब उसके ऊपर से निकल जाओ। और आप यहाँ पर है ना अपने को पाइप के पीछे कूदना है यार, यार हट यार पड़ गए मेरे को यहाँ पर, हीरो बन के सब कुछ आपको बता रहा था यहाँ पर हक दिया मैंने, लेकिन यहाँ पर कोई बात नहीं, आ जाओ उसके ऊपर अभी। पूरा मैप तो भाई आता है अपने को करने के लिए, कोई टेंशन की बात है नहीं, अगर कहीं पर गिर गया तो गिर गया भाई, इतना कुछ टेंशन है नहीं वैसे। और मैंने पता नहीं क्या उसके बाद इसके अंदर चेक पॉइंट ऐड नहीं करा, क्योंकि भाई मैंने छोटा मैप रखा था इसको, यही सोच कर मैंने इसके अंदर चेक पॉइंट ऐड नहीं करा यहाँ पर। और अब यहाँ पर उसके पीछे से कूदना अपने को, पीछे से आ जाओ उसके ऊपर, और अब आगे की तरफ अपने जाना है यहाँ से पीछे की तरफ, यहाँ पर आ गया इसके भी ऊपर एक नंबर भाई। अब यहाँ पर सामने जब वो आगे जाएगा तब उसको कूदो उसके ऊपर, और यहाँ पर झटके में डाइव मारना इसके ऊपर आने के लिए, झटके में डाइव मारोगे तभी पहुँच पाओगे इसके ऊपर यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के लिए ना भाई पाइप जब आगे जाएगा तब कूदो उसके ऊपर, और सामने वाला पाइप जब पीछे से आगे जाएगा तब कूदो उसके पीछे से एक नंबर भाई। यहाँ पर आ गया अपने सामने कांटे वाले हिस्से में, डायरेक्ट कूदेंगे इसके ऊपर अपन। अरे भाई पड़ गया यार, क्या गलत जगह पड़ा ये नेट लेक आएगा मेरा वहाँ पर, ऐसा लग रहा मुझे कि मेरा नेट लेक आया वहाँ पर यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नेट लेक आया, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं, देख के तो ऐसे लग रहा था कि नेट लेक आया था। अब यहाँ पर तो भाई आराम से निकलो चुपचाप, मुझे तो भाई पूरा निकलना आता है यहाँ पर। वाह बच गया, चलो बच गया हीरो बन के बोल रहा था। अरे नहीं यार, नहीं भाई यार, मैं बोला ना भाई मुझे बहुत टाइम लगेगा करने में, और सोचो भाई मैं बना रहा हूँ मुझे इतना टाइम लग रहा है भाई, यहाँ पर फिर पड़ गए मुझे, जल्दबाजी क्यों कर रहा इतनी यार, जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए। और है ना अभी शायद मुझे 4 मिनट हो गए चालू करके मैप, और मेरी वाट लग गई यहाँ पर अभी, क्योंकि देखो कितना गंदा गिर रहा है यहाँ पर, मैं कितना गंदा गिर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इतना गंदा गिरूंगा कैसे चलेगा यार यहाँ पर। बच्चा चलो आगे इसके ऊपर, और यहाँ पर अब निकलना अपने को आगे की तरफ, भागो अभी एकदम आराम से भाई, भागो पूरा मैप मुझे ख़त्म करना फटाफट अभी, जल्दबाजी करके करनी पड़ेगी भाई जल्दबाजी अभी, अगर टाइम पास करूँगा ना अगर अभी भी आराम से खेलने के चक्कर में तो मेरी वाट लग जाएगी, फिर मुझे वापस खेलना पड़ेगा पूरा 6 मिनट अपना, तो मतलब मेरे 6 मिनट यहाँ पर ख़राब हो जाएंगे। आ जाओ उसके ऊपर, वैसे भी मैंने अपने 6-6 करके बहुत यहाँ पर मिनट ख़राब कर चुका हूँ, जब भी खेलना आता था तब मुझे ऐसा लगता था यार इसको सही करना चाहिए, उसको सही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कूदो उसके ऊपर, और यहाँ पर अब निकलना अपने को अच्छे से, आ जाए पीछे जब वो आगे जाएगा तब कूदो उसके ऊपर। ये नेट क्यों लग खा रहा मेरा यार, कितना बेकार नेट चल रहा भाई अभी, कितना बेकार नेट चल रहा भाई, नेट की वजह से मेरा टाइम खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, सही बता रहा हूँ यार, इतना सोचा अच्छे से खेलने के लिए यार। यहाँ पर आए फिर पड़ बच गया आ जाओ उसके ऊपर, भागो सीधे सीधे यहाँ से भाई, सीधा रास्ता पूरा यहाँ से भागने का अपना। इस बार अगर नेट लैग ना खाए ना भाई, मैं आराम से खत्म कर दूँ उसको पूरा एक बार में, मेरा नेट लैग खा रहा भाई पब्लिश करने का टाइम पे यार। और ऊपर पिंग भी नहीं दिखा रही भाई इसके, कि पिंग कहाँ पे दिखाएगी वो भी नहीं दिखा रहा यहाँ पर। आ जाओ उसके ऊपर,
इतना तो है कि भाई यहाँ पर है ना, मतलब मुझे एक और बार ट्राई करना पड़ेगा अभी। एक बार में तो होने वाला है नहीं, क्योंकि भाई जो नेट ने जो दो बार मरवाया ना मेरे को, दो बार, एक बार होता समझता है, दो बार भाई, दो बार मैं मारने मरा नेट की वजह से। झटके खाया उसने दो बार यहाँ पर निकलो उसके ऊपर, एक तो आगे खाया था, एक तो यहीं पर खा गया, फिर आ जाओ उसके ऊपर। और यहाँ पर चलो भाई पहुँच गया वापस, यहाँ पर मैं एकदम आराम से अपने को कूदना है लंबी जंप, यहाँ पर चलो पहुँच गया आगे। और अब यहाँ पर है ना भाई, आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से, एकदम आराम से। और यहाँ पर कूद के आ जाओ उसके भी ऊपर। और यहाँ पर अपना भाई अपन अपने मॉन्स्टर के पास यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर है ना भाई सब लोग बॉडी मोड मार के घुस सकते हैं आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसे रखा उसको। और ये देखो अपना है मॉन्स्टर, ये एक नंबर लग रहा है देखने में। ये वैसे इतना कुछ खास लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है भाई देखने में ये तो। और अब यहाँ पर बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए निकलते हैं आगे। पता ना भाई रिस्टार्ट हो गया अपने आप, ऐसा हो चुका है मेरे पास 2-3 बार, लेकिन यहाँ पर एकदम आराम से निकलना अपने को आगे की तरफ। और यहाँ पर अपने को उसके दांत के बीच में से घुस के जाना आगे, लेकिन यहाँ पर देखो ट्रैम्पोलिन पर अगर उड़ेंगे ना यहाँ से, सब लोग बॉली मोड मार के घुस सकते हैं आगे की तरफ। मैं तो यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा ऐसे कुछ, लेकिन यहाँ पर अपने को दांत खोलने तो पहले निकल जाओ आगे की तरफ। और यहाँ पहुँच गया मैं फाइनल वाले हिस्से और में। ये रहा इस मैप का कोड, जिसको आप लोग भाई कॉपी करके खेल सकते हो अभी। फटाफट से भाई जाकर खेलो इस मैप को, और मुझे बताने कि आपको ये मैप कैसे लगा। और गाइस ये है वो मैप जिसको मैंने इससे पहले बनाया था, और भाई मैं इसको अभी डिलीट करने वाला हूँ, तो सोचा आपको उससे पहले दिखा दूँ कि ये मैप कैसा था। इसको मैं एकदम हार्ड मैप बनाने वाला था पूरे चेक पॉइंट के साथ। आप लोग देख सकते हो भाई कितनी मेहनत मैंने इसके अंदर करा था, उसको बनाने के लिए भाई मेरे 3-4 घंटे यहाँ पर लग गए थे। लेकिन फिर आखिरी में मुझे पता लगा कि हम लोग है ना, मतलब एक तरीके के ब्लॉक को ना बस 100 बार यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपन। और यहाँ पर वही मेरी लिमिट लग गई, और उसके बाद मैंने ट्राई करा था इसको बनाने के लिए, इतना कुछ अच्छा बना नहीं था वो, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे इसको हटाना पड़ा यहाँ से अभी। और मैंने एक सादा वाला मैप बनाया इसके सामने, और जो सादा वाला मैप मैंने बनाया ना अभी भाई, वो भी देखने में अच्छा लग रहा है, वो इतना कुछ बुरा है नहीं। लेकिन ये वाला अगर बनता ना भाई, ये वाला उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा रहता। और यहाँ पर भाई देखो कितना अच्छा बन रहा था ये, बस आखिरी में वो मैंने ना पिंक और ब्लू वो सब यूज़ करने लग गया था, जो इतना अच्छा लग नहीं रहा था फिर देखने में वो, तो इसलिए मैंने सोचा भाई हटाओ इसको, अपना नया एक मैप बना था अच्छा वाला, और जो कि मुझे देखने में अच्छा भी लग रहा है अभी। लेकिन अगर ये वाला बनता ना भाई, इस मैप की बात ही अलग रही थी यार, मैं इतना अच्छा सोच के इसको बना रहा था, और बहुत टाइम लग गया था इसको बनाते बनाते, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और अपनी आज की वीडियो को यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।